क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं बेटा ये, इसका नाम क्या है? बर्ब। इसके बाद हम बना रहे हैं आयत। ये हमने क्या बनाया? त्रिभुज। ये हमने क्या बना दिया? वृत्त। अब इन आकृतियों से अपन एक बहुत सुंदर चीज बनाएंगे जिसका नाम आपको बताना है कि ये हमने क्या बनाया है। ठीक है, सबसे पहले अपन लेंगे वृत्त। जी क्या लिया अपन ने? वृत्त। वृत्त ले लिया। वृत्त के बाद अपन त्रिभुज लेंगे। देखिए त्रिभुज लिया। अब इसके बाद और भी त्रिभुज ले सकते हैं। इसके बाद और भी त्रिभुज ले सकते हैं। अभी अपन और ले सकते हैं। देखो बच्चों, त्रिभुज ले इसमें भी लेंगे। देखो अब ये क्या समझ में आ रहा है? अभी तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखना बताना फिर क्या बनता है। आप अपन छोटे छोटे दो व्रत लेंगे। देखो बेटा, देख रहे हो? चलिए अब इसके बाद आयत ना लेके पहले वर्ग ले। पहले वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं और चारों ही बराबर होती हैं। देखो बराबर है। चलो अब इसके नीचे अपन आयत लेते हैं। आयत की कौन कौन सी भुजाएं बराबर होती हैं? भुजाएं बराबर होती है। चलिए इतना बन गया। इसके बाद अब बताना हमने क्या लिया है इधर? वो क्या बनाया? चलिए एक आयत और ले लेते हैं। ये देखो आया। चलो भाई इतना तैयार हो गया। अब इधर उसके हाथ लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? त्रिभुज ले लेते हैं। क्या कोई आकृति समझ में आ रही है? क्या करके बताना है कि इसकी संख्या कितनी है? मुझे अभी रुकना, अभी रुकना। अच्छा आठ त्रिभुज देख ले। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। हमें तो सात ही देख रहे हैं। अच्छा एक ये है, आठ हो गए त्रिभुज। वेरी गुड, बच्चे तो जानते हैं कि आठ त्रिभुज है। अच्छा अब वर्ग का नंबर आया। अब आपको बताना है कि इसमें वर्ग कितने हैं? वर्ग कितने हैं? एक है। वेरी गुड, वर्ग है एक। अब आयत बताना है। आयत कितने हैं?
गिनो जरा आए कितने कितने आए थे बेटा चलो गिनते हैं एक दो तीन हो गए चलिए तीन आयत हो गए अब आ गया व्रत का नंबर अब गिनो व्रत कितने अच्छा एक दो और एक कहाँ आया अच्छा एक दिन मुंह बनाया एक दिन व्रत है तो व्रत हो गए अपने तीन वेरी गुड बच्चे चलो